हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू प्रोपोगेट सकुलेंट फ्रॉम कटिंग एंड फ्रॉम लीफ। तो दोस्तों, आप देखिए, कुछ खास हमारे पास सकुलेंट बचे हैं, कुछ वैरायटी है एचिवेरिया, कुछ हमारे जेब्रा और कुछ हमारे कैक्टस स्टाइल में है। दोस्तों, राजस्थान जैसे स्टेट में सकुलेंट का होना बहुत ही अद्भुत बात हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हीट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो टेम्परेचर चाहिए होता है हमारे सकुलेंट को वो यहाँ नहीं मिल पाता है। फिर भी हमने कोशिश करी है कि हम हमारे राजस्थान जैसे स्टेट में इसकी प्रोपोगेशन करके बताएं और ट्राई करेंगे कुछ एक लीफ तो प्रोपोगेट हो ही जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सकुलेंट प्रोपोगेशन में खाली हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो मॉइस्चर, और हम जो भी लीफ को तोड़ते हैं उसके अंदर कैलस फॉर्म हो जाना चाहिए, मतलब कि लीफ ड्राई हो जानी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमें लीफ को ब्रेक करना है। बस इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमारे पास एक लीफ अवेलेबल हो जाएगी। और इस लीफ को दोस्तों करीब एक या दो दिन तक आप ड्राई करें। अगर आप वार्म एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर आप कूल टेम्परेचर में रहते हैं, तो आपको करीब तीन दिन तक ड्राई करना है। दोस्तों, एक दिन के बाद हमें जो लीफ मिलती है वो इस तरह की होती है, काफ़ी हद तक ये ड्राई हो चुकी है, अब ये रेडी टू ग्रो है दोस्तों। दोस्तों हम यूज़ कर रहे हैं एक छोटी सी प्लास्टिक फाइल ट्रे, और जिसमें हमने कोकोपीट भर रखा है। तो दोस्तों चलिए, अब हम ग्रो कर देते हैं हमारे छोटे छोटे सकुलेंट्स फ्रॉम लीफ। ओके, आपको अच्छे से इनका हेड जो होता है, जहाँ से ये स्टेम से कनेक्ट होते हैं, वहाँ अच्छे से प्रेस करना है दोस्तों, और हल्का सा प्रेस कर दीजिए आप कोकोपीट की एक लेयर। और हमें डालना है दोस्तों थोड़ा सा पानी, और दोस्तों ये मॉइस्चर हमें काफ़ी दिनों तक मेंटेन करना पड़ता है। अगर रेनी सीज़न है तो दोस्तों ज़्यादा दिन तक मॉइस्चर की प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट अगर समर सीज़न है तो थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन करना होगा। अब चेक करते हैं दोस्तों कितने दिनों में हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों 25 से 30 डेज़ के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिला वो थोड़ा सा डिफरेंट था। हमें सिंगल लीफ पर मल्टीपल सकुलेंट्स के बच्चे मिल गए, आप देखें कितने प्यारे और मल्टीपल है। इस लीफ पर भी मल्टीपल है, और हमारी जो सेकंड वाली लीफ है इस पर भी मल्टीपल है दोस्तों, और रूट्स का फॉर्मेशन भी हो गया है। दोस्तों हमने रेनी सीज़न में इन्हें ग्रो करा था और रिज़ल्ट दोस्तों हमें बहुत अच्छा मिला। अब विंटर का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो विंटर सीज़न में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए, अब स्ट्रिंग ऑफ बनाना के ऊपर भी हमने इसी तरह से काम किया था, उस पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ बनाना में यहाँ पर न्यू ग्रोथ नज़र आने लग गई है। दोस्तों, ये हमारा स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी था, बट दोस्तों अचानक से इसकी कुछ ब्रांचेस से ड्राई होने लग गई है। तो चलिए दोस्तों, आज चेक करते हैं क्या रीज़न रहा। दोस्तों, अगर सेंटर में देखा जाए तो जहाँ से हमारे स्ट्रिंग ऑफ बनाना की रूट्स थी, वहाँ सारा एरिया गल चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखें किस तरह से ये सब गल चुका है। अगर दोस्तों हम समय पर अगर हमारे प्लांट के ऊपर नज़र नहीं डालते तो हो सकता था हमारा पूरा प्लांट सूख कर मर जाता, क्योंकि वो सेंटर से ख़राब था और बाहर से एकदम सही था। दोस्तों, हमारी स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग से ये इतनी सारी, दोस्तों इसमें से सारी तो सर्वाइव नहीं करेगी, बट जिसमें रूट्स अवेलेबल है वो ही ग्रो होगी। तो सबसे पहले हम रूट जिस ब्रांचेस में से निकला है वो वाली ब्रांचेस को लेंगे, और दोस्तों हम इन ट्रे में सीडलिंग ट्रे में ग्रो करेंगे। और सीडलिंग ट्रे में ग्रो करने का बेनिफिट ये है कि इंडिविजुअल पॉट मिल जाता है हमें। अब दोस्तों हमारे स्ट्रिंग ऑफ बनाना अपनी रूट्स डेवलप करने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसमें हल्का सा पानी का बौछार डाल सकते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है दोस्तों, तो ऑलरेडी मॉइस्चर अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। तो कोशिश करते हैं दोस्तों
अब हमारे स्ट्रिंग ऑफ बनाना ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करें। दोस्तों रखना कहाँ पर है, डायरेक्ट रेन में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, आपको इंडोर रखना है जब तक इनकी रूट्स ग्रो नहीं हो जाती है, और आप सर्दियों में आप इनको आउटडोर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम वेट करते हैं इनके डेवलपमेंट का, और उसके अपडेट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो दिखाएंगे आपको। दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ बनाना में यहाँ पर न्यू ग्रोथ नज़र आने लग गई है, और न्यू ग्रोथ रूट एरिया के पास में भी हो रही है यहाँ पर। तो चलिए चेक करते हैं इसकी रूट्स में डेवलपमेंट कितना हुआ है। और ओके, हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे, स्ट्रिंग ऑफ बनाना को भी प्रोपोगेट कर लिया है हमने। ये वाइट रूट्स जो आपको नज़र आ रही है दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर, इसका 100% सक्सेसफुल होने का रिज़ल्ट है। चलिए कुछ एक और चेक करते हैं और रिज़ल्ट को कंफर्म कर देते हैं। सबसे पहले इसे फिर से लगाना है हमें, क्योंकि प्रोडक्शन ख़राब नहीं होना चाहिए हमारा। ओके, तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम। यहाँ चेक करते हैं। ओके, तो हमें एक और सक्सेसफुल रिजल्ट मिला दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ बनाना वाइट रूट्स मतलब कि सक्सेसफुल रिजल्ट। और फिर से हम इसको कवर कर देते हैं। तो दोस्तों होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और अच्छा लगा है तो आप भी ट्राई करें इसी तरह से ग्रो करने का। थैंक यू।